हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार आदाब, इन्वेस्टिगेशन न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं सुल्ताना शेख आज की ताजा अहम खबरों के साथ। भुसावल से हमारे संवाददाता आजा शेख की खास रिपोर्ट। जलगांव जिले में तालुका भुसावल शहर के एक रिक्शा चालक मध्यम वर्गीय घर से आने वाले संजय गंगाधर बिरारी ने रिक्शा चलाकर पूरी जिंदगी ईमानदारी से अपने बच्चे मयूर संजय बिरारी को पढ़ाकर इंडियन नेवी में देश की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसी सोच को सलाम। इन्वेस्टिगेशन ने 24 की ओर से मयूर संजय बिरारी को मजा शेख ने मुबारकबाद दी। मयूर बिरारी और पिता संजय बिरारी, माता ज्योति संजय बिरारी से मजा शेख ने कुछ खास बातचीत की। देखते हैं इन्वेस्टिगेशन न्यूज 24। इन्वेस्टिगेशन न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र का एक जो महाराष्ट्र राज्य के एक जलगांव जिला है, जलगांव जिले में एक तालुका है भुसावल। तो भुसावल शहर में हम आए हुए हैं और यहाँ पर एक जो हमारे दोस्त हैं संजय गंगाधर बिरारी, ये एक रिक्शा चालक हैं। इन्होंने जिंदगी भर रिक्शा चला के उनकी मेहनत से ईमानदारी से बच्चे को पढ़ाकर नेवी ज्वाइन। तो हम आज उनके बीच ही बैठे हुए हैं और कुछ बातचीत करेंगे हम उनके संजय गंगाधर बिरारी से कि उन्होंने किस तरह बच्चे को पढ़ाया और किस तरह वो इस नेवी ज्वाइन करने में उन्हें सपोर्ट की। सर आपका नाम? संजय गंगाधर। सर आप एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने किस तरह बच्चे को पढ़ाया और किस तरह इसे ये नेवी ज्वाइन करने का कहा? हम पहले से उसको सेमी इंग्लिश में पढ़ाए स्कूल में। मैं खुद स्कूल के बच्चे छोड़ता था, सेंट क्लासेस स्कूल के इंग्लिश मीडियम के, तो कुछ मैडमों का सपोर्ट से उसको सेमी इंग्लिश में पढ़ाए और वो बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था, जैसा अच्छे मार्क्स लाकर। तो बड़ा भाई उसका जो ये कुणाल संजय बिरारी, उसको मिलिट्री में जाना था तो उसकी सीक लेके उसने 12वीं साइंस पास करने के बाद में ये नेवी का फॉर्म भरा और साथ में दो चारों भाई प्रैक्टिस करते थे वो ग्राउंड पे, परीक्षा पास करके सक्सेस हो। बहुत बड़ी बात है कि एक रिक्शा चालक का बच्चा नेवी ज्वाइन करता है और उसकी मेहनत से वो आगे बढ़ता है। तो आज हम यहाँ पर आए और उनके पापा ने एक बात और बताई कि यहाँ पर जब बच्चा आया तो कॉलोनी वालों ने भी उसका स्वागत हार फूल से किया। हम उनकी मम्मी भी हमारे साथ हैं, मम्मी से भी उनकी बात करना चाहेंगे कि उन्हें कैसा लगा, आपको कैसा लगा बच्चा आपका नेवी ज्वाइन किया? मेरे को बहुत गर्व है कि मेरा बेटा देश सेवा कर रहा है। अब हम जो मयूर संजय बिरारी है उस बच्चे से बात करेंगे कि वो बच्चा किस तरह इस नेवी को ज्वाइन किया, क्या सोच से आपने नेवी ज्वाइन की? मेरे पापा एक ऑटो ड्राइवर है और मेरी माँ भी दूसरे घर खाना बनाने काम करती है, तो इसी सीख से मैंने अपने आप को ढाल लिया कि जिंदगी में ऐसा कुछ करना है कि जी सब लोग पहचान सके। और मेरा भाई भी एक आर्मी के लिए ट्राई कर रहा है तो उससे मेरे को सीख मिली कि हम भी देश सेवा करेंगे। बहुत अच्छी सोच। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो भी न्यूज़ देख रहा है कि इस बच्चे से एक आप प्रेरणा लो कि ये बच्चा एक मध्यम वर्गीय घर से होने के बाद भी देश के लिए कुछ करने की एक सोच रखता है। तो हर किसी को ये मैसेज मैं पहुंचाना चाहता हूँ हमारे न्यूज 24 के माध्यम से कि आप इस तरह देश के लिए कुछ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप घर के अमीर हो और आप देश के लिए कुछ करें। सिर्फ एक इंसान में जज्बा होना चाहिए देश के लिए कुछ करने का, ये जज्बा इस बच्चे में। मैं मयूर से और एक बात पूछना चाहूंगा कि आपकी क्वेश्चन क्या होगी? मेरी ट्रेनिंग चिल्का में हुई, बेसिक ट्रेनिंग, और उसके 6 महीने बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग शिप पर हुई, INS तवे पर। तो वहाँ पर मेरी 1 महीना ट्रेनिंग हुई, शिप ट्रेनिंग, तो उसके बाद मैं अभी घर पर आया हूँ लीव 1 महीने के लिए, और इसके बाद मैं अभी यहाँ से 1 महीने के लीव के बाद पहुँच ही जाऊँगा प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए। अभी
एक महीने के लिए वो आए हुए घर पे, उनके दोस्त यार रिश्तेदार हर किसी से मिलने। बहुत बड़ी बात है कि मयूर ने उनके घर के साथ माँ बाप के साथ पूरे खानदान का नाम रोशन किया। ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इन्वेस्टिगेशन न्यूज 24। मैं मजहर शेख, कैमरामैन अजहर शेख के साथ अलविदा लेता हूँ। नमस्ते, आदाब। हाय विकी, एक बात बताओ, तुम हमेशा फ्रेश कैसे रहते हो? क्या राज है? अरे सीक्रेट नहीं, ये कमाल है आनंद मुखवास की, जो है माउथ फ्रेशनर का बादशाह। सौंफ, धना दाल, तिल, अजवाइन जैसे नेचुरल चीजों से बना, छोटों से लेकर बड़ों के खाने उपयोग। वाओ नाइस, मुझे भी चाहिए आनंद मुखवास। भरपूर ताजी सांस अब आपके पास। आनंद मुखवास के साथ अब 50 पैसे, 1 रुपया, 5 रुपए और फैमिली पैक में भी उपलब्ध।